एचआरजेडीए न्यूज पर ताजातरीन अपडेट्स और खबरों का सिलसिला जारी। अपडेट कर रहे हैं आपको मोरू से, जहां हमारे नामा निगार फजल बरूड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरू तहसील के तारीखी कब्रिस्तानों पर बासर लोगों की जानिब से कब्जा करके कमर्शियल दुकानें और जगहें बनाई गई हैं। सेंदाई कोर्ट की जानिब से कब्रिस्तानों पर कायम तजावजात फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी होने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये हमारा कब्रिस्तान है, खलीफा साईं का कब्रिस्तान, मोरो के मेन मरकज में, शहर में। यहाँ पे आप हालत देखें कि ये देखो, ये कब्जे हो रहे हैं, यहाँ पे जगह बना रहे हैं। बासर अफराद जो हैं वो जो है ना, यहाँ पे आके जगह बना रहे हैं। कोई इंतजामिया नहीं है, यहाँ पे एसडीएम नहीं आया कभी, कभी उसने विजिट नहीं की है। आप देखें ये हालत है, ये हमारे बड़ों की कब्रें हैं, 400-500 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, खलीफा साईं का कब्रिस्तान। यहाँ पे देखो आप, इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। यहाँ पे बाला जो अमलदार थे, कुछ इंतजामिया थी, उन्होंने खुद जो है अपने हाथों से कब्जे कराए, लेकिन इंतजामिया ने फिर जो है हिम्मत की, हमारे एहतजाज पे ये कब्जे खत्म कराए, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं ये कब्जे हैं। उसके अलावा ये जो गंदगी है, ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है, ये यहाँ सारे मोरों का गंद कचरा यहाँ आके ये फेंक रहे हैं। तो ये टाउन कमेटी वाले और इंतजामिया खुद मुलवस है, किसी आज तक कभी भी जो है एसडीएम मोरो यहाँ पे विजिट उसने नहीं किए। और पूरे शहर की गलियों की हालत आप देखें, हर जगह पे गंदा पानी खड़ा हुआ है। सर हाईकोर्ट ने जो हुक्म दिया है कि नाजायज कब्जे हटाए जाए, आज तक कोई इंतजामिया यहाँ पे नहीं आई। एसडीएम मोरो नहीं आया हुआ है, डीसी नहीं आया है, किसी ने विजिट नहीं किए कि ये भी कब्रिस्तान है, ये खलीफे का कब्रिस्तान है। आगे आप जितने कब्रिस्तान देख रहे हैं, यारशाह के कब्रिस्तान है, दूसरे अलावा और भी कब्रिस्तान है, उन पे जो है ना ये जो है इंतजामिया इनके साथ मिली हुई है, मिली भगत है इनकी, और ये मिलके ये कब्जे करवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। सर तो हम वजीर आला सिंध, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके जो हुक्म दिया है चीफ जस्टिस ने, हाईकोर्ट ने, कि ये कब्जे खत्म करें, तो ये कब्जे खत्म करा के हमारे को कुछ सुकून दिया जाए। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वाले बासर लोग होने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इंतजामिया की जानिब से कब्जा खत्म करने के बजाय पूरे शहर का कचरा कब्रिस्तानों में फेंका जाता है, जिसकी वजह से कब्रिस्तानों की बेहरमती हो रही है। तहसील मोरो की आवाम ने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत आला इदारों से दरख्वास्त की कि सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए और मुर्दा लोगों की कब्रों पर नाजायज तजावजात को फौरी हटाया जाए। HRJDO न्यूज से अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए HRJDO न्यूज़।